हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग की मिड रेंज डिवाइस के लिए सैमसंग का जो थर्ड मेजर ओएस अपडेट जो प्रोवाइड कराने जा रहा है। सो गाइस, इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स देने वाला हूँ। सो गाइस, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप इस चैनल पर नया और इस बंदे को इस पहली बार सुन रहे हो, चैनल को भी देखे नहीं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद घंटे का ऑप्शन को दबा लेना, क्योंकि गाइस घंटे का ऑप्शन नहीं दबाओगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो आपके पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन को दबा लेना, और जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है वीडियोज़ बनाने में। सो गाइस लाइक कर देना। सो गाइस, बात करता हूँ आज की इस वीडियो के बारे में। तो गाइस, अगर सैमसंग की जो A7017 था उसको तो सैमसंग ने वजह साउथ कोरिया में सैमसंग ने वजह इसको एंड्रॉइड पाए का अपडेट दे दिया है, जिसको थर्ड मेजर ओएस अपडेट मिला है। और उसके बाद से आपस में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि जो भी सैमसंग के और मिड रेंज डिवाइस है उसके अंदर सैमसंग क्या थर्ड मेजर ओएस अपडेट देगा। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि सैमसंग की जो A7017 है ये एक हाई मिड रेंज डिवाइस है, और सैमसंग ने इसको साउथ कोरिया में एंड्रॉइड पाई का अपडेट दिया है, जिसके साथ इसका जो थर्ड मेजर ओएस अपडेट जो कंप्लीट हुआ है। और गाइस, सैमसंग पहले ऐसा नहीं करता था कि जो भी हाई मिड रेंज डिवाइस है और जो मिड रेंज डिवाइस है उनके अंदर जो यहाँ पर सैमसंग कभी थर्ड मेजर ओएस अपडेट नहीं देता था। बट गाइस, अब जो है रिसेंटली सैमसंग की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आया कि सैमसंग की जो J7 Pro है इसको सैमसंग अब जो है एंड्रॉइड क्यू का अपडेट देगा। और आप सबको पता है कि सैमसंग जो J7 Pro है ये जो एक मिड रेंज डिवाइस है, और सैमसंग कभी भी ऐसा नहीं किया था पहले कि सैमसंग की जो मिड रेंज डिवाइस है अंदर जो है थर्ड मेजर ओएस अपडेट सैमसंग देता था। बट अब जो है ये जो न्यूज़ आया है सैमसंग की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ है सैमसंग की मिड रेंज डिवाइस के यूजर्स के लिए। गाइस, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बोल दूँ कि अब सैमसंग की जो भी मिड रेंज डिवाइस है और वो जो मिड रेंज डिवाइस है वो नेक्स्ट मेजर ओएस अपडेट के लिए कंफर्टेबल होता है तो उसके अंदर सैमसंग वो जो थर्ड मेजर ओएस अपडेट जो है ज़रूर प्रोवाइड कराएगा, और ये डिपेंड करता है उस डिवाइस का जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर। सो गाइस, सैमसंग की J7 Pro जो है नेक्स्ट मेजर ओएस अपडेट यानी कि क्यू अपडेट के लिए जो है एकदम परफेक्ट है, यानी कि इस डिवाइस में जो भी प्रोसेसर और हार्डवेयर यूज़ किया गया है वो अब जो है एंड्रॉइड क्यू अपडेट के लिए पूरी तरह कंफर्टेबल है। गाइस, अब जो है मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को बताया था कि सैमसंग की जो एंड्रॉइड क्यू अपडेट होगा वो कौन से डिवाइस को सैमसंग देगा इसके बारे में। सो गाइस, वो वाला वीडियो आप जिन्होंने नहीं देखा तो देख लेना। और जब भी सैमसंग अब जो रिवील करता है कि कौन से डिवाइस को फर्स्ट कौन सी डिवाइस को कौन से महीने को अब जो है एंड्रॉइड क्यू का अपडेट देगा, तो गाइस तब मैं आप लोगों को इस चैनल पे बता दूंगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस यही तक था, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटे क्वेश्चन को दबा लेना। तो गाइस, जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बाय एंड स्टे हैप्पी स्टे कूल, टेक केयर।